दोस्तों आप सबका माइक्रो प्रोसेसर में, मैं पढ़ा रहा था माइक्रो प्रोसेसर, आप पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, समझ में नहीं आता है माइक्रो प्रोसेसर इसलिए पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, आ जाएगा समझ में माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम बात कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे, जो कि इंटेल ने लॉन्च किया था 1976 में विथ रिमार्केबल चेंज के साथ, इसलिए ये कोर्स में भी है। इसके बाद हम 8088 देखेंगे, 8086 देखेंगे। बात करते हैं 8085 पे। 8085 में क्या था, 8 बिट का प्रोसेसर है, 3.2 मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी 3.2 मेगा हर्ट्स की होती हैं, जो कि आप अब जो देखते हैं ना आप 3.3 गीगा हर्ट्स के प्रोसेसर आ रहे हैं, तो हाँ ये वही बात है ये। तो 8085 के पास 8 बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का एड्रेस बस नीडेड था, 16 बिट का एड्रेस बस इन द सेंस 16 बिट का एड्रेस बस क्यों नीडेड था, क्योंकि ये 16 बिट मतलब 2 की पावर 16 इक्वल्स टू 64 KB मेमोरी को एड्रेस कर सकता था। जी हाँ, 64 KB, इस वजह से इसके पास मेमोरी होती थी 64 KB की। अब बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम को समझने की, तो क्या है ब्लॉक डायग्राम साथ में देखते हैं। WZBCDEHL ये सारे हैं 8 बिट के प्रोसेसर, सॉरी प्रोसेसर कहना गलत है क्योंकि ये है रजिस्टर, ध्यान से प्रोसेसर प्रोसेसर बहुत हो गया है ना तो दिमाग में माइक्रो माइक्रो हो रहे हैं। ये हैं 8 बिट के रजिस्टर, सारे डेटा स्टोर करने के काम आते हैं, जब जब माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है कुछ कुछ डेटा पे ये डेटा पे वर्क कर लेता है। जहाँ पे बात आई WZ की, ये WZ आपको अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर खुद के जो डेटा पे वर्क करता है उनको स्टोर करके रखता है टेम्प्ररी। तो आप डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, जो कि आप इनपुट करवाएंगे, तो डेटा आप स्टोर करेंगे BCDEHL पे। और ये याद रखिएगा कि जब भी आपको 16 बिट डेटा इनपुट करवाना हो तो आप BC पेयर, DE पेयर या HL पेयर का यूज़ कर सकते हैं, WZ पेयर आपको अवेलेबल नहीं है और आप चाहेंगे भी नहीं कि ये आपको अवेलेबल हो, क्योंकि अगर ALU से डेटा निकला या ALU का जो टेम्प्रेरी डेटा है माइक्रो प्रोसेसर चाहता है मैं यूज़ करूँ या स्टोर करवाऊँ, तो ये BC में अगर स्टोर करवा दिया तो आपके उपयोग में BC तो आ ही नहीं पाएगा, मतलब इसने आपके डेटा को चेंज कर दिया। इस वजह से ये WZ पे चेंज लाता है, WZ को यूज़ करता है जब भी ये चाहे। तो बात आई ये क्या है SP, ये है 16 बिट का, ये क्या है स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर एड्रेस रखता है किसका, जो आपकी मेमोरी होती है ये अलग अलग तरह से मेमोरी डिवाइडेड रहती है। कैसे डिवाइडेड रहती है, एक रहता है स्टैक एरिया, एक रहता है हीप एरिया। तो स्टैक एरिया की जो मेमोरी रहती है इसका जो एरिया बनता है, इसके जो टॉप पे जो वैल्यू रहेगी, इसका जो एड्रेस रहेगा, ये स्टैक पॉइंटर स्टोर करके रखता है। अगली बात आई PC, PC क्या है प्रोग्राम काउंटर, ये रहता है 16 बिट का, ये क्या स्टोर करता है, इस पर हमने बात की थी CSA COA में कि ये स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे, मींस मेमोरी में, या मुझे अगला प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में वो कहाँ पे रखा है उसका एड्रेस ये स्टोर करके रखता है। तो ये स्टोर ये रखता है कि मुझे आगे आगे वैल्यू क्या क्या बढ़ाते जानी है, क्या क्या रखते जानी है जिससे मेरा प्रोग्राम रन होते जाए, मीन्स इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये होता है 16 बिट का रजिस्टर, ये सारे ही रजिस्टर पेयर्स हैं, रजिस्टर पेयर ना ही भी कहें, एक एक पेयर हैं, ये सारे रजिस्टर्स हैं। ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम काउंटर के इंक्रीमेंटेड वैल्यू को स्टोर करवा देता है PC में, या डिक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर के लिए उपयोग नहीं होता है, डिक्रीमेंट यूज़ होता है SP के लिए। इसके लिए हम बात करेंगे जब हम स्टैक मेमोरी को अच्छे से पढ़ेंगे तब। अब बात आई यहाँ से जो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है, मीन्स मुझे किस जगह पे जाना था, ये लोड करा दी गई इस बस पे। ये बस में सबसे पहले स्टोर होता है एड्रेस, क्यों एड्रेस, क्योंकि फर्स्ट टी स्टेट। अब आप जानिए एक मशीन साइकिल जो होती है, जिस मशीन साइकिल में इस प्रोसेसर को वर्क करना होता है, ये डिवाइडेड होता है 4 टी स्टेट में, जिसमें से फर्स्ट टी स्टेट में ये एड्रेस पास करता है और उसके अगले टी स्टेट में ये डेटा पास करता है। इस वजह से होता ये है कि हम एड्रेस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लेक्स वाली बात क्या है या क्यों नहीं समझ में आ रही है, अब आप अच्छे से डीप में जानते हैं। देखिए
मल्टीप्लेक्स क्यों कहा मैंने, एड्रेस बस था मेरा 16 बिट का, ठीक है ये याद रखिए, एड्रेस बस था 16 बिट का, मेरा प्रोसेसर था 8 बिट का। मैं चाहता तो मैं 8 बिट की अलग लाइन यूज़ करूँ मेमोरी में जाने के लिए, मैं चाहता तो 16 बिट की अलग लाइन यूज़ करूँ मेमोरी में जाने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया एक मशीन साइकिल में 4 टी स्टेट होते हैं। पहले टी स्टेट में एड्रेस जाता है, अगले टी स्टेट में डेटा जाता है। अगर मेरे पहले टी स्टेट में एड्रेस जा रहा है तो मैं एड्रेस के लिए तो 16 लाइन यूज़ कर रहा हूँ, अगले टी स्टेट में मेरा डेटा जा रहा है तो क्यों ना मैं अलग 8 लाइन ना बनाते हुए मैं इसी को 16 को ही 8+8 में तोड़ के इन्हीं की 8 लाइन को यूज़ करूँ। ये होता है मेरा मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग इसलिए क्योंकि जब मैं चाहूँ इनको तोड़ दूँ, जब मैं चाहूँ इनको मर्जअप कर दूँ। इस वजह से पहले टी स्टेट में मेरा एड्रेस जाएगा, इस तरह से लिखाएगा AD0 to AD7, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स है, और ये हो जाएगा A8 to A15। कुल मिला के ये एड्रेस जब जाएगा तो ये यूज़ करेगा 7, 8 और 8, 16 को। जब डेटा जाएगा इसको यूज़ नहीं करेगा, डेटा बफर यूज़ होगा जो कि ये मेमोरी, ये जो दोनों पार्ट है ये मेमोरी या तो IO से कनेक्टेड होंगे, जिस भी जगह पे जिस चीज़ की वैल्यू यूज़ होनी होगी, या तो आपको IO से डेटा देना होगा, या आपको मेमोरी से डेटा देना होगा, या मेमोरी में राइट करना होगा, या IO में राइट करना होगा, यहाँ से आपका कनेक्शन रहेगा। अब बात रही ये कनेक्शन पे, तो ये कनेक्शन किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, आपका IO है और मेमोरी है यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ से डेटा रिट्रीव होगा, बस में ट्रांसमिट होगा। हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन जा रहा होगा, हो सकता है ये डेटा जा रहा हो जो यूज़ करना हो। अगर डेटा जा रहा हो तो मैं इसको रजिस्टर में स्टोर करवा लूँगा, अगर मेरा इंस्ट्रक्शन जा रहा हो जिस पे मुझे वर्क करना है, ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसमिट हुआ 8 बिट डेटा बस से, 8 बिट डेटा बस से सारे कनेक्टेड हैं, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि 16 बिट का। इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मेरा जो इंस्ट्रक्शन था ध्यान से सुनिएगा, जो इंस्ट्रक्शन था वो आके स्टोर हुआ। इस इंस्ट्रक्शन को पास किया मैंने इंस्ट्रक्शन डिकोडर से, इस डिकोडर ने डिकोड करके बताया टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को कि मुझे क्या करना है। किसको बताया गया? कंट्रोल सिग्नल को। जैसा कि आपके बॉडी में बताया जाता है माइंड को कि क्या करना है, ये माइंड ट्रांसमिट करता है किस चीज़ को क्या करना है लास्ट में, उसी तरह से ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा किस चीज़ को क्या करना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन हर चीज़ से रहेगा। ये ALU से भी कनेक्टेड है ये इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए मैंने ये कंट्रोल सिग्नल नहीं दिखाए हैं। आप चाहे तो ये डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं सारे पेपर्स में बना के अच्छे से। अब बात करते हैं कि कंट्रोल सिग्नल अगर निकले तो क्या होगा। हो सकता है मैं 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, ये 2 और 3 मेरे इस प्रोसेसर में रखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शन आया कहाँ पे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऐड करने का। इंस्ट्रक्शन ने डिकोड किया, कंट्रोल यूनिट में आया, कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया ALU के लिए कि आपको ऐड करना है 2 और 3 को। इसने क्या किया, 2 को लाया अक्यूमुलेटर में जो कि है 8 बिट का रजिस्टर, ये खुद माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है या ALU के साथ कंबाइन रहता है। यहाँ पर आपका 2 आया, स्टोर हो गया। इसने टेम्प्ररी रजिस्टर का यूज़ किया 3 के स्टोर करने के लिए, 2 और 3 को एडअप किया, एडअप करके इसने बस में ट्रांसमिट कर दिया। 2 और 3 को ऐड किया, ऐड करके बस में ट्रांसमिट कर दिया, बस ने स्टोर करवा दिया D में, आपका आंसर आ गया 5। ALU अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब के काम में आ रहा है, इसने स्टोर करवाया आपका डेटा यहाँ पे। लेकिन ये फ्लैग क्या है? ये फ्लैग भी एक तरह का रजिस्टर है जो कि 8 बिट का रजिस्टर है। इसमें हम इसको रब अप करने के बाद अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले हम बाकी सारे पॉइंट को डिस्कवर कर लेते हैं कि क्या क्या था। कंट्रोल यूनिट और टाइमिंग डायग्राम था, टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट था, इसके अलग अलग पिंस हैं। टोटल ये कंस्टिट्यूट होता है 40 पिंस के साथ, मीन्स 8085 के पास में 40 पिंस होते हैं। इसका पिन डायग्राम हम अभी हम समझते हैं आगे। साथ ही साथ इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, इंटरप्ट यूनिट है,
सीरियल आईओ यूनिट है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इंटरप्ट यूनिट के पास अलग अलग पिन्स है। टोटल ये जो है ये हम जूम इन करके देख रहे हैं, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। जब जूम आउट करके देखेंगे तो पिन्स को समझेंगे कि किस तरह से क्या पिन्स होती है। तो इस तरह से वर्क हो रहा था। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो डायरेक्शन है ये आप सही से बनाइएगा, इनको बाई डायरेक्शनल ना बना दे, ये याद रखिएगा। इसको भी आप बाई डायरेक्शनल ना बना दे, क्योंकि ALU में डेटा आता नहीं है, ALU से डेटा जाता है डेटा बस में। अब जितनी डिस्कशन हमने कर ली है इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या था हमारा, ये रजिस्टर पॉइंट है, रजिस्टर पॉइंट में WZ पेयर था जो हमको अवेलेबल नहीं है। सारे रजिस्टर जो हैं ये जनरल पर्पस रजिस्टर, ये 8 बिट के रजिस्टर हैं, BCDEHL। इसके बाद में आता है SP स्टैक पॉइंटर, PC प्रोग्राम काउंटर, जो कि बताता है कि हमें किस तरह पे जाना है, किस जगह पे जाना है। उसके बाद में आता है एड्रेस और डेटा बफर, जो कि कंस्टिट्यूट करता है मल्टीप्लेक्स्ड में कितना 16 बिट का, अगर अलग अलग कर दें तो AD0 टू AD7 और A8 टू A15। AD0 टू AD7 होता है डेटा बफर, A8 टू A15 होता है एड्रेस बफर। ये दोनों हमारे मेमोरी और IO से ज्वाइन रहते हैं, मेमोरी और IO से हमारा डेटा आता है या जाता है, ये डेटा आता है या जाता है बस में। अगर डेटा है तो रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर, डिकोडर के बाद में कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, सारों को बताएगा कि किसको किसको क्या करना है। ALU वर्क करेगा अगर उसकी पोजीशन है या वर्क करने लायक है या वर्क करना है उसे। एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, टेम्पररी रजिस्टर 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है आपका, फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का है। एक्यूमुलेटर और टेम्पररी रजिस्टर से डेटा आया, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरफ डेटा आ रहा है, क्योंकि ALU का इस तरह से फिगर बनाया हुआ है आपके इसमें, और यहाँ से 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होके आपने सेव करवा लिया। फ्लैग में क्या स्टोर होता है, फ्लैग में स्टोर होता है आपका 8 बिट का स्टेटस, किस तरह से आपका ALU ने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है। तो आइए देखते हैं फ्लैग को। तो दोस्तों देखते हैं फ्लैग रजिस्टर को किस तरह से था। 8 बिट का रजिस्टर था, याद रखा होगा आपने, ये था D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, विच कंस्टिट्यूट 8 बिट। ओके, तो क्या क्या था आप ये याद रखिएगा, क्या बताता था, ये स्टेटस बताता था, स्टेटस बताता था। इसलिए हम ये कहते हैं कि अक्यूमुलेटर जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाता है, 8085 में क्या होता है, ये वन एड्रेस को लेके चलता है, इस वजह से क्या करता है, अक्यूमुलेटर में ही हमारा जो रिजल्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करवा देता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर हमारा क्या कहलाता है, PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इसको कहते हैं, इससे जाना जाता है इस नाम से। अब देखते हैं कि क्या क्या था। तो D7 बिट जो है ये आपका कहलाता है साइन बिट, D6 बिट जो है वो आपका कहलाता है ज़ीरो बिट, ये जो है ये डोंट केयर है, ये तीनों डोंट केयर हैं, मीन्स D4 बिट जो है ये है ऑक्सिलरी कैरी बिट, D2 जो है पैरिटी बिट और D0 जो है वो कैरी बिट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ताकि समझ में आ जाए किस कब ये सेट होता है और कब ये रीसेट होता है। कहने का मतलब ये है कि कब ये बिट 0 रहेगी, कब ये बिट 1 रहेगी। तो आइए देखते हैं, मैंने एग्जांपल तौर पे लिया 1+1, 1+1 इन बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 1+1 0 और कैरी जनरेट करेगा 1। अगर ये मेरा रिजल्ट 0 हो जाता है, ये रिजल्ट मेरा 0 है, तो मेरा रिजल्ट 0 है इन द सेंस ये मेरा 0 बिट जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट इन द सेंस ये सेट हो जाएगा। तो ये अगर सेट हो गया तो ये हो जाएगा 1। अब दूसरा एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 1+0 1, 0+1 1, 1 1,
यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेरा 4 बिट रजिस्टर है, मान लीजिए 4 बिट रजिस्टर में मेरा MSB बिट अगर 1 है, आपने बाइनरी या डिजिटल में पढ़ा होगा कि अगर मेरा MSB बिट 1 कहलाता है, मीन्स ये मेरा नेगेटिव नंबर है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव नंबर है, मेरा MSB बिट 1 है, इस केस में मेरा साइन बिट एक्टिवेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 सेट। मीन्स ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो निगेटिव नंबर है वो नेगेटिव है। अगला एग्जांपल देखते हैं पैरिटी के लिए, या पैरिटी के पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी कैरी के लिए। मान लीजिए आपके जो हैं एडिशन जो है ये BCD का है, BCD 4 बिट का BCD है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल जिसको कहते हैं, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है। इसका एग्जांपल से और अच्छे से देखिए, वन प्लस वन जीरो, हाँ ये BCD है, मीन्स इसका एडिशन पहले फिर इसका एडिशन। तो देखिएगा ये D0 टू D3 है, तो इसका एडिशन करने पे क्या आता है, 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 1 प्लस 1 0, कैरी 1 था सॉरी, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ये भी 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1। ये देखिए ये ऑक्सिलरी कैरी जनरेट कर रहा है, मीन्स आपका जो रजिस्टर था 4 बिट का था, तो इसने 4 बिट डेटा तो स्टोर कर लिया, एक ऑक्सिलरी कैरी जनरेट कर रहा है, मीन्स इंटरमीडिएट टर्म्स के बीच में एक कैरी जनरेट हो रहा है। इस कैरी को स्टोर करने के लिए या स्टेटस रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाता है, मीन्स D3 से लेके D4 के बीच में अगर आपका जंपिंग आती है कैरी की, तो ये बिट सेट हो जाता है। अगली बात करते हैं पैरिटी बिट के बारे में। अब देखते हैं पैरिटी बिट को, तो पैरिटी बिट किस तरह से, तो इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट जो ALU या इसने जनरेट किया है कुछ इस प्रकार से है, ये रिजल्ट जनरेट हुआ, यहाँ पे आप काउंट द नंबर ऑफ वंस नॉट जीरोस। अगर आपका रिजल्ट होता है 1011, तो भी आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ वंस को। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर ऑफ वंस है, 4, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर ऑफ वंस है। अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो याद रखिएगा कि आपका पैरिटी बिट जो है वो सेट हो जाएगा, सेट इन द सेंस 1 हो जाएगा। अगर आपका ऑड नंबर ऑफ वंस है तो याद रखिएगा कि ये सेट नहीं होगा, मीन्स रीसेट रहेगा, जो कि 0 पोजीशन पे है। अगली बात करते हैं हम लोग कैरी के बारे में। तो कैरी किस तरह से है, जहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी इंटरमीडिएट टर्म्स के बीच में यूज़ हो रहा था, कैरी फाइनल टर्म्स के बीच में यूज़ होगा। मीन्स आपका जो रजिस्टर है 4 बिट का है, 4 बिट में डेटा स्टोर हो सकता है, मीन्स इस तरह से कुछ रिजल्ट आया, साथ ही साथ एक कैरी जनरेट हुआ जो कि 1 था, तो इसको स्टेटस रिकॉग्नाइज करने के लिए ये 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से था हमारा फ्लैग रजिस्टर, और 8085 का फ्लैग रजिस्टर था, याद रखिएगा, क्योंकि ये 8 बिट का है। 8086 के केस में ये 16 बिट का हो जाता है, उसके बारे में हम लोग अगली बार बात करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं हम लोग इसका पिन डायग्राम।